हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब जर्सी मूवी का क्या होगा। इतना ही नहीं, हीरोपंती 2 और रनवे 34 का क्या होगा, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 जिस तरीके से सुनामी लेकर आई है, अब वो सुनामी में डर है कि बॉलीवुड की तीनों ही मूवी पूरी तरह से वॉश हो सकती है। उसके अलावा केजीएफ चैप्टर 3 के कुछ फैन थ्योरी से, जिनको सुनने के बाद मुझे क्या लगा और क्या हो सकता है, वो मैं बात करूंगा इस वीडियो में। चलिए अब ज्यादा समय न लेके शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले केजीएफ चैप्टर 2 की मैसिव सक्सेस के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा पूरी की पूरी टीम को। जो मेहनत और जो लगन से वो लोग ने काम किया, वो पर्दे पर साफ नजर आता है और ऑडियंस को पसंद भी आ रहा, तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद अब इस हफ्ते रिलीज होने वाली जर्सी मूवी, तो जर्सी मूवी के लिए मैं एक ही बोलूंगा कि मेकर्स को खुद भी भरोसा नहीं अपने खुद के प्रोडक्ट पर, क्योंकि अगर उनको भरोसा होता तो वो लोग अपनी मूवी की रिलीज डेट को इतना नहीं टालते। और एंड मौके पर जब वो केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज होती थी, तब वो लोग फौरन पीछे हट गए, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। और ये बता रहा कि भाई वो लोग की खुद की फटी हुई अपने प्रोडक्ट को लेकर। उसके अलावा शाहिद कपूर की जर्सी ऑफिशियली एक रीमेक मूवी है, और आज की तारीख में जितने भी हिंदी मूवी लवर्स हैं, वो रीमेक से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। जब तक तुम लोग रीमेक को सपोर्ट करोगे, तुमको बॉलीवुड में अब ओरिजिनल कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, उनकी मोस्टली जितनी भी मूवीज अपकमिंग है, वो ज्यादातर रीमेक ही है। तो आप लोग तैयार हो बैक टू बैक रीमेक्स के लिए। शाहिद कपूर की जर्सी ना चलने का रीजन ये कि जब मैं केजीएफ चैप्टर 2 देख रहा था, तो थिएटर में जब जर्सी का ट्रेलर आया, तो एक भी बंदा रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ पर हिंदी ऑडियंस है, वो लोग जर्सी के ट्रेलर पर रिएक्ट नहीं किए, तो आप समझ लो कि उस पर्टिकुलर मूवी का हश्र क्या होने वाला है, वो तो हमें इस हफ्ते पता ही चल जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, केजीएफ चैप्टर 2 का जो सुनामी है, वो अपने साथ हीरोपंती 2 और रनवे 34 को भी ले डूबेगा। अब वो दोनों मूवी कब चलेगी, जब वो अच्छी हो। हीरोपंती 2 के ट्रेलर के जिस तरह से लोगों ने बजाई थी, उससे समझ में आता कि वो मूवी कितनी बड़ी डिजास्टर है। लेकिन रनवे 34 का यहाँ पर एक चीज पॉजिटिव है कि जब तक वो मूवी की जो माउथ पब्लिसिटी वो अच्छी ना हो, वो फ्लॉप और हिट होगी ये हम लोग फिलहाल नहीं बोल सकते। अब केजीएफ चैप्टर 3 का लेकर लोगों की क्या फैन थ्योरीज है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पॉयलर्स भी है, तो उसका ध्यान रखना। उससे पहले अगर आप लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 देखी है, तो उसमें एक कैरेक्टर था फरमान। तो अब लोगों का ऐसा कहना है कि फरमान ही आगे चल के हमें सालार में नजर आएगा एज अ प्रभास। तो यहाँ पर ये कितना सच है ये मुझे नहीं पता। लोग क्यों बोल रहे कि फरमान ही हमें सालार में प्रभास नजर आएगा, वो है उसकी तावीज को लेकर। देखो एक पोस्टर रिलीज होता जिसमें प्रभास ने एक लॉकेट पहना था, तब कुछ चूत ये है कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो तावीज जो फरमान ने पहना, वही सालार में प्रभास ने पहना है। अब भाई तावीज और लॉकेट में कुछ डिफरेंस होता है यार, तुम लोग कहाँ से कहाँ चीज़ों को लेके जाते हो। दूसरा रीज़न ये है लोगों का कहने का कि जो ईश्वरी राव, जिसने यहाँ पर केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान की मदर का रोल प्ले किया, वही यहाँ पर सालार की माँ का भी रोल प्ले करेगी। तो इस पर मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई प्रशांत नील सर का मैंने इंटरव्यू देखा, तो वहाँ पर उन्होंने साफ एक चीज़ कही है कि ईश्वरी राव का परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने सालार में भी उनको कास्ट किया है। उसके अलावा जो तीसरा रीज़न है लोगों का ये कहना है, फरमान की डेथ हुई थी तो उसकी डेड बॉडी को उसकी माँ को नहीं दिखाए थे, तो इसके पीछे लोग ये कयास लगा रहे कि भाई रॉकी भाई ने फरमान को कोई अलग जगह रखा होगा और आगे चल के वो उसका इस्तेमाल करेंगे और वही लड़का बड़ा होके सालार बनेगा। तो देखो यार, पहली बात तो उसकी माँ को डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाया, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी बाइक के ऊपर जब हमला हुआ था, जब उसको गोली लगी थी, तो उससे पहले फरमान की डेथ होती है। अब गोली लगने के बाद रॉकी भाई एक दो दिन में तो ठीक नहीं हुआ, कम से कम उसको हफ्ता 10 दिन लगा होगा। अभी हफ्ता 10 दिन तो आपको मूवी में दिखाएंगे नहीं, तो आप ऐसा मान के चलो कि हफ्ता 10 दिन लगा। अब हफ्ता 10 दिन के बाद जब वो वापस आता है, अधीरा को हराता है, फिर उसके बाद डेड बॉडी को लेकर वापस केजीएफ में आता है, तब इतने दिन में लाश सड़ेगी नहीं क्या? तो अब ऐसे में जब किसी माँ का बेटा मर चुका है और उस बेटे की लाश जो पूरी तरह से आधी से ज़्यादा सड़ चुकी है, वो एक माँ को दिखा के और तकलीफ देंगे क्या? तो ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन नहीं, लोगों का कुछ और ही है। मतलब कहाँ कहाँ से लोग आए थे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और एक बात बता दूँ कि भाई यश और प्रभास के बीच का जो एज डिफरेंस है, वो आप लोगों को तो पता होगा, नहीं पता तो भाई प्रभास यश से बड़ा है, यश छोटा है। और उसके अलावा मूवी में जिस तरह से वो 3-4 साल की जो टाइमलाइन बताई है, उस टाइमलाइन में वो बच्चा इतना बड़ा है ना कि वो प्रभास है, जंडाल आदमी नहीं बन सकता यार। तो मतलब कहीं से कहाँ चीज़ों को तुम लोग जोड़ते हो यार, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अरे भाई, जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि सालार मूवी में भी प्रकाश राज सर है, ये भी मैंने इंटरव्यू में प्रशांत नील सर के मुंह से ही सुना था। तो आप लोग अंदाजा लगाओ कि भाई प्रकाश राज उसमें क्या काम करेगा, क्या वो भी नरेटी करेगा फिर से मूवी को? ऐसा हो सकता है, क्योंकि टाइमलाइन के ऊपर गौर करो, प्रकाश राज का होना
इम्पॉसिबल है, और ये साबित करता है कि ये मूवी कहीं से भी KGF चैप्टर 3 से कनेक्टेड नहीं है। अब आप लोग अपनी मर्जी से कनेक्शन बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक फैंस हमेशा अपनी पसंदीदा चीज़ें ही देखना चाहता है। तो शायद उनको ऐसा लगता है कि रॉकी भाई और प्रभास एक मूवी में हो और वो मूवी कनेक्टेड हो आपस में, तो उसका मज़ा दुगना हो जाएगा। लेकिन शायद ये आप लोगों की जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि सालार और बगीरा जो कि एक और कन्नडा मूवी है जिसमें हमें रोरिंग स्टार श्री मुरली नज़र आने वाले हैं, जिनको नहीं पता तो भाई बहुत ही गजब के एक्टर है, उनकी उंगराम मुफ्ती ऐसी मूवी देखो, तुम लोग का दिमाग पूरी तरह हिल जाएगा। उंगराम जो थी उसका ऑफिशियल रीमेक मूवी सालार है। काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर, जैसे हाथ का टैटू और वो जिस तरीके से वो हाथ में बांधता है, वो सारी चीज़ें सिमिलर लगती है। तो ऐसा कहना है कि उंगराम मूवी भी प्रशांत नील की थी। तो अब देखते हैं आने वाले कल में क्या होता है यार। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।